नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते इंडिया में। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव का सियासी संग्राम शुरू होने वाला है। प्रधानी के चुनाव कहे जाने वाले इस चुनाव के लिए प्रदेश के कई लोग अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कई गांवों में तो तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और आरक्षण चार्ट और अधिसूचना भी कुछ ब्लॉक में जारी कर दी गई है, जिसके बाद से ये चुनावी संग्राम और भी दिलचस्प हो गया है। कई लोगों ने चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। ऐसे में आज हम आपको पंचायत चुनाव के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या होते हैं पंचायत चुनाव, कैसे होते हैं इनके लिए चुनाव और आखिर ग्राम पंचायत का काम क्या होता है और इस बार उत्तर प्रदेश में होने जा रहे इस चुनाव को लेकर कैसा है राज्य का माहौल। क्या होती है ग्राम पंचायत? किसी भी ग्राम सभा में 200 या उससे ज्यादा की जनसंख्या का होना आवश्यक होता है। हर गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, जिसको सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। 1000 तक की आबादी वाले गांव में 10 ग्राम पंचायत सदस्य, 2000 तक 11 और 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। गांव में होने वाले ये चुनाव को किसी भी उत्सव से कम नहीं माना जाता, क्योंकि भारत में 65% से ज्यादा आबादी गांव में बसती है। गांव में कामों को नियम पूर्वक करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में गांव के लिए प्रशासन स्थापित करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, जो पूरे गांव के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। ग्राम पंचायत का प्रमुख ग्राम प्रधान होता है। ग्राम सभा के कुल सदस्य मतदान करके ग्राम प्रधान और अन्य सदस्यों को चुनते हैं। ग्राम प्रधान और अन्य सदस्यों को ग्राम पंचायत कहा जाता है, जिसका कार्यकाल 5 सालों का होता है। कैसा होता है ग्राम प्रधान का चुनाव? पंचायत चुनाव 3 स्तरीय होते हैं। पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, जिसके लिए लोग ग्राम प्रधान का चयन करते हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवारी भी ग्राम प्रधान के लिए ही देखने को मिलती है। ग्राम प्रधान के लिए आम चुनाव होते हैं और गांव की जनता अपना प्रधान चुनती है और इस चुनाव में किसी भी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर प्रधान का पद 6 महीने से कम समय के लिए खाली हो तो चुनाव नहीं कराया जाता। गांव में हर 5 साल के बाद ग्राम प्रधान का चुनाव कराया जाता है। चुनाव के लिए राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को स्वीकृति प्रदान करती है और इसके बाद निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। अब जो व्यक्ति ग्राम प्रधान या सदस्य के पद पर चुनाव लड़ना चाहता है, उसको एक निर्धारित समय के अंदर पर्चा दाखिल करना पड़ता है। इसके बाद निर्वाचन कार्यालय हर एक आवेदनकर्ता को एक चुनाव चिन्ह देता है। फिर चुनाव प्रचार के बाद एक निश्चित तारीख को वोटिंग कराई जाती है और चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को निर्वाचन अधिकारी एक प्रमाण पत्र देता है। क्या होते हैं ग्राम पंचायत के अधिकार? ग्राम पंचायत के पास सार्वजनिक सड़कों, जल मार्गों और अन्य मामलों के संबंध में कई अधिकार होते हैं। ग्राम पंचायत नए पुलों, पुलियों का निर्माण कर सकती है, किसी सार्वजनिक सड़क, पुलिया या पुल का मार्ग बदल सकती है, उसे बंद कर सकती है और समाप्त कर सकती है। ग्राम पंचायत लघु सिंचाई योजना शुरू कर सकती है, सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई झाड़ी या वृक्ष की डाल को काट सकती है। इसके साथ ही शौचालय, मूत्रालय, नाबदान, नाली, नलकूप या गंदगी करने वाले, गंदे पानी या कूड़ा करकट के स्थानों को बंद कराने, बदलने, मरम्मत करने, साफ करने, कीटाणु रहित करने या उसे अच्छी हालत में बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होता है। कैसे खर्च की जाती है विकास की राशि? जब कोई योजना पास की जाती है तो उसकी राशि इसी ज्वाइंट खाते से निकाली जाती है। सचिव प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, जबकि ग्राम प्रधान जनता के प्रतिनिधि। दोनों के हस्ताक्षर से इस खाते से राशि निकाली जाती है और फिर सड़क, नाला, सफाई, सामुदायिक भवन निर्माण और अन्य योजनाओं में खर्च किए जाते हैं। दोनों में से कोई भी अकेले पैसे की निकासी नहीं कर सकता है। कौन लड़ सकता है चुनाव? वैसे तो गांव प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य योग्यताएं ही होती हैं, जिसमें कम से कम 21 साल की उम्र होना, भारतीय नागरिक होना या पागल, दिवालिया ना होना शामिल है।
हालांकि इसके अलावा भी सरकार की ओर से कई शर्तें बनाई गई हैं, जिन्हें पूरा ना करने पर व्यक्ति गांव प्रधान के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसमें आरक्षण समितियों का बकाया आदि शामिल है। इसके अलावा कई मुद्दों पर अभी शर्तों पर चर्चा चल रही है, जिन्हें पूरा ना करने पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इन शर्तों में शैक्षणिक योग्यता, बच्चों की संख्या, चुनावी खर्च का ब्यौरा आदि शामिल है। आपको बता दें कि यूपी में इस बार होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हाल ही में हुई है। चुनाव 4 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। हर चरण में 18 या 19 जिलों में एक साथ चुनाव होगा। जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य के चारों पदों के लिए एक ही बार में वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 35 जिलों के अधिकारियों और दूसरे संबंधित ऑफिसर्स के साथ चुनावी तैयारियों की जांच की है। कुल 35 जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इनमें लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, झांसी, आजमगढ़, विंध्याचल, गोरखपुर, वाराणसी और देवीपाटन शामिल है। इस दौरान चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, प्रपत्र जैसे जरूरी सामान की उपलब्धता और उनकी खरीद के बारे में भी जिला अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही वोटिंग के बाद मत पेटियां को रखे जाने वाली जगहों पर बनने वाले स्ट्रॉन्ग रूम और वोटिंग वाली जगहों की समीक्षा भी की गई है। इसके साथ ही इस बार के पंचायत चुनावों में बहुत कुछ बदला भी नजर आएगा। इस चुनाव में हर पोलिंग पार्टी में 5 की जगह 4 कर्मचारी होंगे, जबकि वोटिंग के दौरान किसी महिला कर्मी के होने की बाध्यता भी समाप्त हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमें अपनी राय कमेंट्स के जरिए दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।